24 अप्रैल को वाराणसी में मोदी के नामांकन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी अमित सिंह ने तैयारियों के सिलसिले में एक बैठक ली, जिसमें पार्टी के विधायकों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बीजेपी की कोशिश ये है कि मोदी के नामांकन के मौके पर वाराणसी की गंगा जमुनी संस्कृति के साथ वहाँ भाईचारे का नजारा और माहौल दिखे। इसी सिलसिले में नामांकन के लिए मोदी के प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक मशहूर शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामीन हुसैन को पेशकश की गई है, लेकिन ऐसा हो ना सका। जामीन ने ये कहते हुए प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया कि वो किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी किसी संगीत कार्यक्रम में बुलाएगी तो बतौर कलाकार वो जरूर जाएंगे। देखिए, कला संगीत और सियासत अलग है, अलग अलग है ये दोनों। हम लोग संगीत वाले हैं, संगीत जानते हैं, सियासत जरा भी नहीं जानते, जीरो बराबर भी नहीं जानते। इसलिए हम लोग संगीत में ही हैं, संगीत में ही रहेंगे। हमने नहीं इतला दे दिया उनको, लिखित बल के दिया है कि हम लोग प्रस्तावक नहीं लेंगे बस। जमीन की जगह जो नाम आया वो भी था संगीत की दुनिया से ही मशहूर शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्रा का, जो खुशी खुशी मोदी का प्रस्तावक बनने को तैयार हो गए। आप प्रस्तावक बनने में खुशी महसूस करेंगे मोदी का? बिल्कुल, जब जिसका साथ दे उसका अच्छी तरह से दे, ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जो हमको सम्मान से बुला रहा है हम उसके यहाँ जाएंगे। कोई भी जो पहले बुला लेगा उसी के यहाँ जाएंगे। तो पहले मोदी जी का खबर आया है तो हम इसलिए हमने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, जब आएगा समय कागज भेजिएगा तो फिर देखा जाएगा, करेंगे जैसा होगा। मोदी के प्रस्तावकों के तौर पर छन्नू लाल मिश्रा के अलावा अब तक जो नाम आए हैं उनमें BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते जस्टिस गिरधर मालवीय, पप्पू चायवाला, एक वोटमैन और दो बुनकर के नाम शामिल हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बेटे का कहना है कि मोदी उन्हें पसंद हैं, लेकिन उनके प्रस्तावक बनने से इनकार करने के मामले को अलग अलग चश्मे से देखने वाले भी कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।